हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी के कैलेंडर के बारे में, क्योंकि इसमें एक छोटे से चेंजेस किए गए हैं। जिन्होंने अपना सेंटर बिहार सेलेक्ट किया है उनके लिए यहाँ पे चेंजेस है। सो जो सेंटर बिहार जिनका है उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, बाकी और सभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिनका बिहार है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। डेट में चेंजेस किए गए हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, जो कि एसएससी जेई और आपका फेज 8 के लिए। देख सकते हैं आप एग्जामिनेशन कैलेंडर, जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर अपडेटेड वाला डाउनलोड हो जाएगा। मैंने यहाँ पहले डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये कैलेंडर जो है रिवाइज्ड कैलेंडर है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएचएसएल में कोई चेंजेस नहीं है, 12 से 26 के बीच में यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर, यहाँ पे आपका देख सकते हैं 27 से 30 अक्टूबर तक एग्जामिनेशन है। लेकिन जो बिहार सेंटर जिन्होंने सेलेक्ट किया है द कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड सेंटर्स इन बिहार, उनका एग्जामिनेशन 11 दिसंबर को होना है। वो 27 से 30 के बीच में एग्ज़ाम उनका नहीं होगा जूनियर इंजीनियर के लिए। अभी तक जो भी सिचुएशन है, जो भी अपडेट है, उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 11 दिसंबर को होगा। अब जो ये चेंज वाली बात है, ये सिर्फ बिहार सेंटर वालों पे एप्लीकेबल है, बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए कॉमन रहने वाला 27 से 30 ही। तो जिन्होंने बिहार सेंटर लिया है ध्यान से देखें, उनके लिए यहाँ पर 11 दिसंबर को होगा। वहीं पर यहाँ पे फेज़ 8 में भी वही चेंजेस है, जिन्होंने बिहार सेंटर लिया उनका 14 दिसंबर को होगा, उनका 6 नवंबर से 10 नवंबर के बीच नहीं होगा। बाकी कैंडिडेट्स के लिए 6 नवंबर से 10 नवंबर के बीच ही होगा। तो जिनका सेंटर बिहार है उनके लिए यहाँ चेंज एसएससी जेई में भी है और यहाँ पर फेज़ 8 में भी है। तो इस बात का ध्यान रखें, बिहार जिनका है वहाँ पे यहाँ पे चेंज किया गया। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी कैलेंडर जो है उस सबकी सभी के लिए नॉर्मल है। तो बाकी कैलेंडर में जो भी आप चेक कर सकते हैं कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन अभी जो एग्जामिनेशन होने है उसमें आपको सबसे ज़रूरी एसएससी जेई जिनका बिहार सेंटर है और फेज़ 8 जिनका बिहार सेंटर, उनके लिए चेंजेस दोनों है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए नॉर्मल रहेगा, जो आपको दे दिया गया था पहले उसी डेट पर होना है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। सो आप ये पढ़ सकते हैं डायरेक्ट डाउनलोड करके। सो आप जिनका भी बिहार सेंटर है वो ये चेक कर लीजिएगा, बाकी कैंडिडेट्स के लिए नॉर्मल ही रहेगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।